हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। बताइए कैसा लग रहा है ये चैप्टर मेंसुरेशन? इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना? क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लिए ना आप लोगों ने? कैसी लगी आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 एक बार कमेंट करके मुझे बताएं सभी लोग। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ फ्लोर टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम। यानी किसी फ्लोर पर कोई टाइल लगानी है जिसकी शेप पैरेललोग्राम है, ये शेप है उसकी, ठीक है? हूज बेस इज 24, यानी ये बेस इसका 24 सेंटीमीटर है एंड द करस्पोंडिंग हाइट, ये हाइट नहीं है, हाइट कैसे निकालोगे? ऐसे, ये इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। यानी आपसे ये पूछना चाह रहा है कि एक ये कमरा है बड़ा सा जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है, इसमें आपको टाइल्स फिट करनी है जिनकी जो लेंथ और ब्रेथ है, यानी लेंथ और हाइट है, वो 24 एंड 10 है, तो कैसे फिट करोगे और कितनी फिट करोगे? ठीक है, आपको ये बतानी है कितनी टाइल्स इस एरिया में आ जाएंगी। देखते हैं कितनी टाइल आएंगी। यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, यहाँ पर ये मीटर में है, या तो आप मीटर को सेंटीमीटर बना लो या सेंटीमीटर को मीटर बना लो। तो 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.24 मीटर, ठीक है? और 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.10 मीटर, क्लियर? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर इतनी बात? अब फॉर्मूला सभी लोग याद रखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। समझ में आ गई? यानी जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल निकालनी हो तो आप क्या करोगे, बड़े एरिए को छोटे एरिए से डिवाइड कर देंगे, है ना? तो फ्लोर का एरिया कितना है? 1080, और टाइल का एरिया कितना हो गया? आप 0.24 × 0.10, ठीक है? अब हम यहां से पॉइंट हटाएंगे, देखो 1, 2 यहां से हटाएंगे, 1, 2, क्लियर इतनी बात? अब ये जीरो से तो ये जीरो कट गया, पहले से काटो, 12 × 2 = 24 और 12 × 9 = 108, क्लियर? अब इसको 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 45, और ये आ जाएगा 1000। यानी नंबर ऑफ टाइल कितनी आ गई? कितनी आ गई नंबर ऑफ टाइल्स? 45,000 टाइल्स, ये निकल कर आ गई आपकी नंबर ऑफ टाइल्स, क्लियर है ना बात? समझ में आ गई? कैसे किया मैंने? मैं ऐसे भी कर सकती थी कि पहले 24 को 0.10 से मल्टीप्लाई करो तब आंसर आएगा 240, है ना? लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है इसको करने का, ये स्टेप बढ़ाना है, हमको तो काटना था नीचे से ऊपर, तो मल्टीप्लिकेशन में ही रखा रहने देंगे और केवल डिवीजन कर देंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन आंट इज मूविंग अराउंड द फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप। यानी अलग अलग तरीके की शेप है, एक शेप ये है, एक ये है और एक ये है, तो इनमें आपको क्या बताना है कि जब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाती है तो कौन सी ऐसी शेप है जिसमें वो सबसे ज्यादा राउंड लेगी, यानी लॉन्गर राउंड लेगी, ठीक है? चलो इसका निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जब कोई शेप आपके पास इस तरफ से इस तरीके से है और आपको उसको बाहर बाहर चलना है, ऐसे ना बाहर बाहर चलना है, तो आप क्या निकालोगे? उसकी सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर निकालोगे, ठीक है? क्लियर है ना बात कि सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। अब अगर फुल होता हमारे पास एरिया, सॉरी सर्कल, तो हम उसकी सर्कमफ्रेंस क्या निकालते? 2πr। लेकिन हमारे पास तो हाफ है, तो हम क्या निकालेंगे? 2πr/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो कितनी हो गई अब सर्कमफ्रेंस? पाई आर, क्लियर बात? पाई आर तो सर्कमफ्रेंस हो गई, लेकिन आपको डायमीटर कितना दिया हुआ है? 2.8, तो आपको सबसे पहले आर निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो पहले आर निकालते हैं। चलो कैसे लिखोगे?
कैसे लिखोगे? तो R इज इक्वल टू कितनी है, 2.8 अपॉन 2, क्या आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर R आ गई। C ऑफ सेमी सर्कल, ऐसे लिखो C ऑफ सेमी सर्कल क्या आता है IR, 22/7 × 1.4 आएगा यहाँ पर 0.2, और जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो क्या आंसर आ जाएगा 44 और बीच में 4.4। ये बात समझ में आ गई? अभी केवल आप यहाँ से यहाँ चले हो बस, अभी यहाँ तक तो नहीं चले आंट, ये भी तो चलेगी। जब ये चलेगी तो ये कितना है, ये पूरा डायमीटर है, और डायमीटर कितना है 2.8, यानी 2.8 भी तो चलेगी ना। देखो एक बार इरेज करके बताती हूँ मैं आपको, आंट ने यहां से चलना चालू किया, यहां से चलना हाफ सर्कल घूम गई, हाफ सर्कल घूम गई, हमने ये निकाल दिया 4.4 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहां भी तो चलेगी, जहां से शुरू किया है वहीं तो खत्म करेगी, यानी इस डायमीटर को भी तो कवर करेगी ना, है ना। क्या लिखोगे, टोटल कवर्ड, कवर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 4.4 तो ये हो गया और 2.8 ये हो गया भाई, इसको यहां से चलना शुरू करेगी, यहां पर आकर तभी एक राउंड उसका कंप्लीट होगा। तो क्या लिखेंगे, 8 × 4 = 12 कर दो 6 × 1 7.2 सेंटीमीटर, यानी सर्कमफ्रेंस कितना निकल कर आया, टोटल डिस्टेंस कितना निकल कर आया, टोटल डिस्टेंस निकल कर आया 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो आगे, अब यहां से चलना चालू करेगी, देखो यहां बना दूं इस शेप को, सबसे पहले कहां चलेगी, सबसे पहले यहां चलना चालू करेगी ऐसे, ठीक है। तो इसका वैसे तो हम निकाल चुके हैं लास्ट में, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। चलो R इज इक्वल टू कितना हो गया, 2.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5। जब यहां से यहां तक 2.8 है तो ये भी तो 2.8 ही होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, पहले आप सेमी सर्कल निकालो, C ऑफ सेमी सर्कल से निकालोगे, C ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, यानी 22/7 × 1.4 जो आंसर था वही आएगा, क्या आ गया 0.2, आंसर आया 4.4, ठीक है। ये सेमी सर्कल का निकल कर आया है। अब आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले 4.4 सेंटीमीटर जो यहां से यहां तक चली, अब यहां से कहां चलेगी, ऊपर की तरफ चलेगी ना, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ चलेगी तो कितना कवर करेगी 1.5, फिर यहां से यहां तक चलेगी ऐसे कितना कवर करेगी 2.8, और फिर नीचे तक आएगी तो फिर कितना कवर करेगी 1.5। समझ गए बात को, कि ये जो 4.4 निकला है ये इसका निकला है यहां से यहां तक चलने का, प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, और तब उसकी यात्रा खत्म होगी यहां आकर, जहां से शुरू किया वहीं पर आकर, ठीक है। तो अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, चलो इन सबको प्लस कर लो, 1.5 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 1.5 कितना हो जाएगा 3 प्लस, और इसको कितना किया था 7.2, तो कितना हो गया 10.2 सेंटीमीटर, इतना उसने कवर कर लिया इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में कितना कवर किया था 7.2, सेकेंड वाले डिस्टेंस में उसने कितना कवर किया 10.2, है ना। अब थर्ड और रह गया, इसको निकाल लेते हैं। देखो इसको मैं यहां बना लूं, ये सेमी सर्कल हो गया, इतना सेमी सर्कल हो गया, ठीक है।
यहां से चलना उसने शुरू किया, यानी डिस्टेंस अभी भी वही है, ये डिस्टेंस कितना है 2.8, क्लियर, ये है 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ये भी है 2 सेंटीमीटर, समझ में आ रही है बात। सबसे पहले सेमी सर्कल निकालेंगे, सी ऑफ सेमी सर्कल हम लोग निकाल चुके हैं, सेम रेडियस दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, तो रेडियस भी कितना आएगा, सेम आएगा, और जब रेडियस सेम है तो हमारा सेमी सर्कल का क्या बोलते हैं इसको, सेमी सर्कल भी हमारा बिल्कुल ठीक निकलेगा, सर्कमफ्रेंस वही निकलेगा जो अभी तक हम निकालते आ रहे हैं। कितना निकाला था हमने, जल्दी से याद करो एक मिनट, 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है, वो डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, अब चलेगा यहां चलेगा, तो लिखो टोटल डिस्टेंस, बताओ कैसे निकालें टोटल डिस्टेंस, भाई 4.4 तो ये चल दिया, ठीक है, प्लस 2 सेंटीमीटर यहां चला, 2 सेंटीमीटर यहां चला, ठीक है, कितना हो गया 8.4 सेंटीमीटर, बताओ क्या आंसर आया आप लोगों का, यही आंसर आया है। अब वो पूछ रहा है कौन चला, भाई बी वाले पार्ट में जो आंट थी उसने लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया था, तो हम यहाँ लिख देंगे कितना किया था, 10.2 सेंटीमीटर, है ना, तो हैंस द आंट हैज टू टेक लॉन्गर राउंड फॉर द फूड piece, that is 10.2 सेंटीमीटर in B, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, बताइए आया समझ में सभी को, कैसे डिस्टेंस निकाला, सबको समझ में आ गया ना, तो कैसा लगा है आज का सेशन, बहुत छोटी सी क्लास थी लेकिन अब इंटरेस्टिंग चल रहा है कुछ, तो बीच में तो क्लास छोड़ने का मतलब नहीं बनता, और अगर आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। वीडियो की टाइमिंग सभी को मालूम है 1:30 PM, ना वीडियो की टाइमिंग सभी को मालूम है 1:30 PM, कमेंट करके मुझे ये जरूर बताएंगे कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है और खासकर आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।